कई राचे कई राथेनं दलहम्मेन पराकम्मे शीथिलोहि परिबाजो भियो अकीरते रजं। यदि किसी कार्य को करना है तो उसे संकल्प पूर्वक करे और उसे दृढ़ता पूर्वक कर डाले। शिथिल परिव्राजक अपनी शिथिलता के कारण अपने अंदर राग आदि से अपने श्रमण भाव पर अधिक मल बिखेरता है, अर्थात अधिक धूल या कलंक फैलाता है। स्वागत है आप सभी का ऐतिहासिक स्मारकों की नगरी शिरपुर के भाग दो में। हमने पिछले भाग में शिरपुर के ऐतिहासिक तथ्य और इसकी प्राचीनतमता को आपके सामने रखा था, जहां सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन इनके संरक्षण में आनंद प्रभु नाम के भिक्खु द्वारा ईस्वी 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाए गए बौद्ध विहार की जानकारी दी थी। ईस्वी 6ठी से 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्ध भिक्खु वैनसोंग इनके द्वारा शिरपुर यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार देखे गए थे। साथ ही शिरपुर के पास स्थित गुफाओं में आचार्य नागार्जुन इन्होंने ध्यान किया था। देखिए, अभी हम आए हुए हैं शिरपुर की दूसरी ऐतिहासिक स्थली तक, जिसका नाम है पद्मपानी विहार, जो कि यहाँ का आनंद प्रभु जो कुटी है, यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर यह स्थली है। और इसके इर्द गिर्द अनेकों स्मारक है, यहाँ पर अनेकों शैव स्मारक है, अनेकों जो शैव मंदिर है या फिर शिवालय है इस स्थली पर स्थित है। यहाँ पर देखिए, जो स्मारक है इस तरीके से पूरी तरीके से संरक्षित स्मारक है। देखिए, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है वहाँ पर लगाया गया उत्खनित स्थली का। आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेंसिंग की गई है, डोर है यहाँ पर इस स्मारक पर। यहाँ पर सूचना प्लग लगाया गया, यहाँ पर जो बाग बगीचा किया गया उसकी जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये पूरा बाग बगीचा देख पा रहे हो। और ये जो विहार है पद्मपानी विहार, देखिए कुछ इस प्रकार का है, बहुत ही नायाब है। आइए देखते हैं हम। ये देखिए, इसकी बाहरी परत देखिए और इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत ही ज़ोरदार है और बहुत ही लाजवाब इसकी जो बाहरी परत है इस विहार की, वह हमें दिखाई देती है। तो देखिए, अभी हम इस विहार के सामने वाले हिस्से में आए हुए, यहाँ पर सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये फरसे में काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये जो विहार का सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए चार पिलर हुआ करते थे, दो जो पिलर है दीवार में अटैच है और दोनों जगह पर जो फीमेल द्वारपाल है वह हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो पिलर है और एक यहाँ पर पूरी डिज़ाइन हुआ करती थी वो अभी नष्ट हो चुका है। और यहाँ का प्रवेश द्वार देखिए, प्रवेश द्वार के ऊपर यहाँ पर नक्काशी काम जो है वह किया गया, तो बहुत ही बारीकी से उस समय पर जो पत्थर दिखाई दे रहा है इसमें नक्काशी काम जो है वह किया गया था। और यहाँ पर एंट्री करेंगे तो एंट्री यहाँ पर दोनों साइड में आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर प्रतिमा हुआ करती थी इस हिस्से में, ये जो दालन दिखाई दे रहा है इन दोनों दालन में उस समय पर प्रतिमाएँ हुआ करती थी। जिस प्रकार से हमने अभी आनंद प्रभु विहार देखा है, उसके अंदर जो कुबेर थे, कुबेर के जिस प्रकार से शिल्प देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिल्प रहे होंगे। और इस विहार में देखिए, ये आप विहार देख पा रहे हो, इस प्रकार के ये विहार आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो मंक है, मंक यहाँ पर जो विहार है विहार किया करते थे। ये देखिए, ये सारे मंक के कक्ष है, देखिए छोटे हैं और बड़े भी हैं आकार में, मतलब छोटे है वहाँ पर जो श्रामनेर मंक है वह रहा करते थे और जो बड़े सेल है वहाँ पर जो बड़े भिक्खु है वह रहा करते थे, मतलब महास्तवीर जो है वह रहा करते थे। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो,
आप ये जो चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पर, मतलब यहाँ से उत्खनन करते समय यह पाए गए, मतलब जिस प्रकार से हम जो आटा जो है, आटा जो पीसते हैं ना, तो आज हम मशीन से पीसते हैं, तो उस समय पर आटा पीसने के लिए ये जो साधन आप देख पा रहे हो इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से धाने डाला जाता था और इसको ऐसे घुमाया जाता था। ये देखिए, ये आटा पीसने वाला उस समय का ये साधन है जो कि बहुत ही पुराना है। यहाँ पर भी उसका दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार का मंडप, ये जो है पूरा मंडप दिखाई दे रहा है और मंडप के यहाँ पर ये जो सारी सामग्री है यह रखी गई है और इसके साथ साथ इसी प्रकार के सारे जो कक्ष है मंडप के हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। महानदी के तट पर बसा हुआ सिरपुर प्राचीन काल में दक्षिण कोसल की राजधानी होने के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रह चुका है। सन 2002 से 2011 तक डॉक्टर ए के शर्मा इनके द्वारा किए गए उत्खनन में यहाँ पर यह स्मारक सामने आया था। शिरपुर यह एक समय पर तांत्रिक बौद्ध धम्म का सक्रिय केंद्र एवं अध्ययन केंद्र रह चुका है, जिसे प्राचीन काल में श्रीपुर या श्रीपुरा के नाम से वर्णित किया गया है। जापान के बौद्ध भिक्खु जो महाराष्ट्र राज्य में स्थायिक है, जिनका नाम आचार्य नागार्जुन सुरई ससई, इनके संस्था के माध्यम से यहाँ सन 1953 और 1954 के लंबे अंतराल के बाद उत्खनन कार्य का आरंभ किया गया था। हम आए हुए हैं शिरपुर के तीसरे बौद्ध स्थली पर, जिसका नाम है स्वास्तिक विहार। आप मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे हो जो कि सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ इनके द्वारा लगाया गया यहाँ पर इस तीसरे बौद्ध स्थल के बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे हिस्से में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट जो है यहाँ पर का स्मारक के प्रति, स्मारक के रखरखाव के प्रति और स्मारक के कुछ रूल्स है इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तीसरी स्थली हम देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने आनंद प्रभु जो विहार है वह देखा, उसी प्रकार का यह विहार है। और उसी दौर में, मतलब सन 1953 में डॉक्टर एम जी दीक्षित इनके द्वारा ये जो स्थली है यहाँ पर उत्खनन किया गया था। और साथ ही साथ इस स्थली पर पहली बार जो है, मतलब यहाँ पर इसके जो रिकॉर्ड से जेडी बेगलर और साथ ही साथ सर अलेक्जेंडर कनिंगम उनके द्वारा यहाँ पर के जो रिकॉर्ड है वह दर्ज किए गए थे। उसके बाद में यहाँ पर सन 1953 में उत्खनन कार्य किया गया था। देखिए यह विहार देखिए बहुत ही शानदार है, इसका आप एंट्रेंस देख पा रहे हो और साथ ही साथ सामने आपको एक मंडप दिखाई दे रहा है और बीच में हम एक तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर कुछ कक्ष है और राइट साइड में यहाँ पर हमें विहारों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे विहार है और इस विहारों में भी डोर हुआ करते थे और उसका आप देख पा रहे हो इसके जो डोर का जो पैनल है वह पत्थर में था पूरा। और ये मंडप देख पा रहे हो, इस मंडप में भी आपको ड्रेनेज जो सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है। बहुत ही लाजवाब ऐसी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जो है इस पूरे मंडप के, आप देखिए छोटा सा है, लगभग मतलब 12x12 का यह मंडप होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मुख्य कक्ष है, यानी यहाँ पर जो मुख्य यहाँ का सेल है, कक्ष है, इस कक्ष में यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जिस प्रकार से हमने आनंद प्रभु कुटी में देखी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ठीक वैसे ही जो प्रतिमा है वह हमें दिखाई देते हैं भगवान बुद्ध की। देखिए भूमि स्पर्श है जो कि भगवान बुद्ध ने जो मार के ऊपर विजय प्राप्त किया था उसका यह प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो सारी जो मूर्तियाँ हैं, मतलब यह जो पूरा जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, यह प्राचीन काल में उस समय पर, मतलब 6वीं शताब्दी में जो तांत्रिक बौद्ध, मतलब यानी जो वज्रयान है, वज्रयान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और वज्रयान के जो मंक है वह यहाँ पर रहा करते थे। और जिस प्रकार से वेनसंग ने अपनी प्रवास जो यात्रा वर्णन है उसमें इसका जिक्र किया है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप ये विहार देख पा रहे हो और साथ ही साथ सामने बहुत बड़ा जो मंडप है आप देख पा रहे हो। यहाँ पर लगभग 4-4 कक्ष है और इस 4-4 कक्षों के बीचों बीच यहाँ पर हमें
ये 12 पिलर वाला जो मंडप है वह दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर हम मंडप में चलेंगे वहाँ के। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, इसके कारण देखिए थोड़ी तकलीफ होती है। आइए यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर देखिए, ये भी जो स्मारक है, मतलब ये जो विहार है, यह विहार भी 2 मंजिला हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी, मतलब यहाँ का ये डबल था, ऊपर स्मारक रहा होगा, वो पूरी तरीके से ढह चुका है। ये जितना स्मारक उस समय पर दीक्षित जी ने खोजा था, या फिर दीक्षित जी द्वारा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था, यह उतना ही स्मारक हमें दिखाई देता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो यह उस समय पर कितना भव्य दिव्य ऐसा ये पूरा क्षेत्र रहा होगा। जिस प्रकार से भैंसंग ने अपनी यात्रा वर्णन में इसका वर्णन किया है, लगभग 100 विहार उन्होंने देखे थे और लगभग 10,000 के आसपास जो बौद्ध भिक्खु है यहाँ पर वास किया करते थे। देखिए यहाँ पर, यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, इनके द्वारा यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था की है और अन्य व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। बीते कुछ सालों से यहाँ धम्म परिषद का आयोजन किया जाता है, ताकि दुनिया भर के लोगों को यहाँ के ऐतिहासिक महत्व का पता चल सके। 2013 में परम पावन दलाई लामा जी, इन्होंने शिरपुर यहाँ पर यात्रा की थी। यहाँ पर सैकड़ों विहार सामने आए हुए हैं, लेकिन आज भी सामान्य लोगों की नज़रों से ओझल है। आने वाले समय में पर्यटन विभाग द्वारा इन्हें लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाने वाली है। अगले भाग में हम आपको तिवरदेव महाविहार, गंधेश्वर मंदिर परिसर और सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप एवं संग्रहालय दिखाने की कोशिश करेंगे।